अस्सलाम वालेकुम क्लास, यू मे एड्रेस मी लाइबा, माय रोल नंबर इज 18232। मेरा टॉपिक है एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर। इसके अंदर मैंने एक लॉगिन पेज बनाया है, एक अबाउट के नेम से पेज बनाया है, एक एम्बुलेंस के नेम से पेज बनाया है और एक रजिस्ट्रेशन के पेज से बनाया है, और मैंने इसमें एक पिक्चर भी ऐड की है। ठीक है, मेन जावा में सबसे पहले हम जाते हैं, मैं आपको अपना सबसे पहले एक पेज दिखाती हूँ जो मैंने बनाया है। ठीक है, इस फाइल को मैं रन करती हूँ। रन की फाइल मैंने, मेरे पास ये मैंने एक पेज बनाया जिसके अंदर मैंने एक ड्राइवर के नेम से बनाया, एक एम्बुलेंस के नेम से बनाया, एक अबाउट और एक लॉग आउट। सबसे पहले हम लॉगिन डॉट जावा पे जाते हैं जिसको मैंने डेटाबेस से कनेक्ट किया है। ठीक है, जब मैं डेटाबेस पे गई, सॉरी जब मैं स्कॉर्ड पे आई हूँ, तो ये मेरा लॉगिन का कोड है। इसमें सबसे पहले मैंने लाइब्रेरीज़ को ऐड किया है, ये जो ऊपर ये वाली लाइन्स हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक क्लास बनाई है, और वो किस नेम से बनाई है, लॉगिन के नेम से। अगर मैं यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन के नेम से बनाती तो पब्लिक क्लास रजिस्ट्रेशन आता। ठीक है, उसको मैंने एक्सटेंड करवाया जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे फ्रेम से। ठीक है, इस पब्लिक लॉगिन मींस टू से मैंने इसको प्राइवेट नहीं किया, मैंने इसको पब्लिक किया। जो भी आएगा अपना डाटा एंटर करेगा और लॉगिन हो जाएगा। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को कहीं और भी यूज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। अगर मैं इसको प्राइवेट कर देती तो वो कंपलसरी मेरे पास ही रहता, लेकिन मैंने इसमें पब्लिक का वर्ड यूज़ किया ताकि कोई भी आए अपना डाटा एंटर करे और वो सेव हो जाए। जो आप इसमें अपना डाटा एंटर करते हो ना, ये मेरे पास लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में सेव हो जाता है। ठीक है, ये डाटा आपका कहीं नहीं जाता। ठीक है, मैंने इसको अपने PHP पे सेव किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने इस डाटा को कहाँ सेव किया जब मैं इस फाइल को रन करूंगी। और सबसे पहले मैं आपको इस फाइल को रन करके दिखाती हूँ। जब मैंने इस फाइल को रन किया तो मेरे पास एक ये पेज ओपन हो गया। ठीक है, मैंने अपना नेम रखा लाइबा और मैंने पासवर्ड रखा 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने इस पेज को लॉगिन कर दिया, मेरा रिकॉर्ड ऐड हो गया। और ये रिकॉर्ड कहाँ ऐड हुआ है, लोकल होस्ट PHP माय एडमिन में, जहाँ आप अपनी डेटाबेस को क्रिएट करते हो। ठीक है, ये मेरे पास रिकॉर्ड ऐड हो गया। ओके, ये मेरे पेज ओपन हो गया। मैं इन सबको आपको रन करके दिखाऊंगी, इन सब की मैं आपको कोडिंग दिखाती हूँ। अब हम आ जाते हैं एम्बुलेंस पे। एम्बुलेंस के पीछे भी मैंने कोडिंग की है, इस फाइल को भी मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। रन फाइल, ये देखिए ये मेरे पास आ गया। ओके, ये जो हमने लॉगिन पेज बनाया इसको हमने डेटाबेस से कनेक्ट किया, बाकी किसी को हमने डेटाबेस से कनेक्ट नहीं किया। अब मैं अपनी पिक पे जाती हूँ, मैं आपको पिक भी दिखाती हूँ। मैं रजिस्ट्रेशन पे गई, मैं आपको इसको भी रन करके दिखाती हूँ। हमने इसमें ड्राइवर की रजिस्ट्रेशन किया है जिसमें ड्राइवर का नेम और ड्राइवर का मोबाइल नंबर आ जाता है। ठीक है, सब मैं आपको लोकल होस्ट दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अपना, ये वो पेज है जो मैंने ओपन किया, इसमें मैंने नेम क्या किया लाइबा और 1 2 3 4 5 6 को ऐड किया। ठीक है, मेरी जो डेटाबेस थी वो DB3 के नेम से थी, और जो मेरा टेबल था वो डेटा के नेम से। ये आप देख सकते हैं, ये वो रिकॉर्ड एडिट जो मैंने आपको पीछे लॉगिन पेज पे दिखाया, ये वो रिकॉर्ड यहाँ पे एडिट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये एम्बुलेंस मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको लॉगिन पेज दिखाया, मैंने आपको मेन जावा दिखाया, मैंने अबाउट का मेरा इसमें था, मैंने एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, लॉगिन पेज भी दिखाया, अबाउट भी दिखाया, एम्बुलेंस भी दिखाया, रजिस्ट्रेशन भी दिखाया, पिक भी दिखाया। अब हम दोबारा लॉगिन डॉट जावा पे जाते हैं। इस फाइल को मैं जब आपको रन करके दिखाती हूँ, ये देखें मैंने अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइबा एंटर किया, ये वो रिकॉर्ड हमारा लोकल होस्ट PHP पे ऐड हो जाता है। जब मैंने इसको लॉगिन किया, रिकॉर्ड ऐड हो गया। ओके, अब मैं अबाउट पे गई हूं, फिर मैं एम्बुलेंस पे जाऊंगी, ड्राइवर की इंफॉर्मेशन होगी, वो लॉग वो अबाउट भी ओपन हुआ था, ये थोड़ा सा नेट का इशू था जिसकी वजह से ऐसे हो गया। ठीक है, अब इस फाइल को हम दोबारा रन करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब मैंने पहले लाइबा एंटर किया ना, अब मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड कर लेती हूँ, कोई भी नेम ऐड कर लेती हूँ, मैं अपनी मैम का ही नेम ऐड कर लेती हूँ। जब मैंने अपनी मैम का नेम एंटर किया, मैंने यहाँ पासवर्ड रखा 3 4 5 6 7। ये देखिए, ये भी रिकॉर्ड
ऐड हो गया है। पहले मैंने अपना नेम लाइबा रखा था तब भी रिकॉर्ड ऐड हुआ, जब मैंने अपनी मैम का नेम रखा तब भी रिकॉर्ड ऐड हुआ। इट्स मीन कि मेरा ये प्राइवेट नहीं है, ये पब्लिक है, कोई भी आएगा अपना डाटा एंटर करेगा और ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया, ये मेरे पास ओपन हो गया। जब मैं ड्राइवर पे गई, यहाँ ड्राइवर की इंफॉर्मेशन ओपन हो गई। जब मैं अबाउट पे गई, ये अबाउट ओपन हो गया। और जब मैं लॉग आउट पे गई तो ये लॉग आउट हो गया। ठीक है, मैं आपको अपनी UML डायग्राम दिखाती हूँ जो मैंने बनाई है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने वर्ड की मेरी एक फाइल है। ठीक है, इस पर मैंने जो जितने भी कोड किए हैं उन सबको कॉपी किया है और यहाँ पेस्ट किया है। जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया, मैंने लॉगिन पेज पे नेम और पासवर्ड लिखा, मैंने एम्बुलेंस पे आईडी और कॉन्टैक्ट लिखा, मैंने सारी मैंने कोडिंग को कॉपी किया है और अपनी एक वर्ड की फाइल बनाई। ये मेरा एक मेन पेज है। ठीक है, अब मैंने इसकी UML डायग्राम बनाई है। आप मेरे कोड को और मेरी UML डायग्राम को मैच कर सकते हो, इसमें कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है। सबसे मैं लॉगिन हुई वही, फिर मैं मेन मेन्यू पे गई और मैंने आपको दिखाया अपनी डायग्राम में कि मैंने ड्राइवर, एम्बुलेंस, अबाउट और लॉग आउट के नेम से बनाया। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने अपने कोड में ना की और अपनी UML डायग्राम में की हो। लॉगिन में मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड किया। मेन मेन्यू में ड्राइवर था, एम्बुलेंस था, अबाउट था एंड लॉग आउट था। एम्बुलेंस में मैंने आपको दिखाया एम्बुलेंस आईडी, एम्बुलेंस कॉन्टैक्ट। फिर ड्राइवर पे गई, फिर नेम और मोबाइल। लॉग आउट पे प्रोजेक्ट क्लोज हो गया और अबाउट पे क्या होता है, प्रोजेक्ट की डिटेल होती है कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट है। मेरी UML डायग्राम को आप देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं की जो मेरी कोडिंग में ना हो और जो मेरे प्रोजेक्ट में ऐड ना हो। ठीक है, लॉगिन में भी वही चीज़ें ऐड की हैं मैंने, इसको कोई मतलब नेट से नहीं लिया कुछ, मैंने इसको UML डायग्राम को खुद डिफाइन किया। जो जो चीज़ें मैंने अपनी उस पिक्चर में और अपनी कोडिंग में की हैं, आप ऊपर जाके इसको मैच कर सकते हैं। सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ ऐड किया, कोई डिफरेंट नहीं है। सिंपल सी मैंने UML डायग्राम बनाई है। सबसे पहले मैं लॉगिन पे गई, मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड किया, मैं मेन मेन्यू पे आ गई। मेन मेन्यू से मेरी अपनी चॉइस है, मैं एम्बुलेंस पे जाती हूँ, मैं ड्राइवर पे जाती हूँ, मैं अबाउट पे जाती हूँ या मैं लॉग आउट पे जाती हूँ। इट्स योर चॉइस। ठीक है, और ड्राइवर पे मैंने भी नेम और मोबाइल ऐड किया, एम्बुलेंस आईडी, एम्बुलेंस कॉन्टैक्ट, अबाउट पे प्रोजेक्ट की डिटेल और लॉग आउट पे प्रोजेक्ट क्लोज हो गया। ठीक है, आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मेरी मैंने इसको यूट्यूब पे अपलोड करना है, आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।